चलिए दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ए जे टेक्सट बुक चैनल पर गुड मॉर्निंग एवरी वन एक बारी जल्दी से कमेंट बॉक्स पे सभी के सभी अपना जो है अटेंडेंस मार्क कर दीजिए भाई जल्दी से लिखो गुड मॉर्निंग एंड ऑल जो भी बच्चा मुझसे कनेक्टेड है जल्दी से एक बारी बताइए ऑल क्लियर आवाज़ आ रही है ऑडियो आ रही है आप सभी तक है ना वीडियो एंड ऑल ऑडियो सब कुछ अवेलेबल जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स पर गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग बारिश हो रही है भाई चलो कोई नहीं अच्छी बात है यार ये तो मौसम अच्छा होगा तो ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा ना है ना तो स्टार्ट करते हैं आज तो वैसे भी पढ़ना बहुत है इसके बाद टेस्ट होगा फिर और भी चीज़ें हैं है ना चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे जुड़ जाइए है ना और डेली बेसिस पे मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही ही के कराता हूँ आज जो मैं कराऊंगा वो थोड़े और डिफ़िकल्ट होंगे क्योंकि हमने बिल्कुल सटीक क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्ज़ाम लेवल के ठीक है थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है जब हम सटीक क्वेश्चन उठाते हैं है ना और हम में मैं, मैं ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कराने में फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हो रही हैं और एक मेगा लॉन्च भी आपका सत्ताईस तारीख को देख लीजिएगा चलिए तो बाकी मेरा टेलीग्राम अमन सर टेक्सट बुक ज्वाइन करिएगा बेटा पहले एक बारी बताना ऑडिबल हूँ मैं आप सभी को प्रॉपरली आवाज़ आ रही है जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स भी लिखिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से लिखिएगा एक बारी है ना फिर स्टार्ट करेंगे एक घंटे का सेशन है और बहुत सारे नए क्वेश्चन हैं और जो पीडीएफ है वो बन चुकी है आज आपको अवेलेबल करा दी जाएगी ठीक है चलिए तो ये मेरे टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्ट बुक इसे आप ज्वाइन करिएगा है ना और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने हमारे भारत में सबसे पहला जो इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर बनाया गया था जो हमने खुद बनाया था भारतवर्ष ने वो बेंगलोर में सक्सेसफुली जो है आ, बनाया भी गया और उसे ठीक है आउट भी किया गया अब ये कौन से वर्ष में बनाए कौन सी डेट में बनाया गया था डेट तो सारी सेम है ईयर का ध्यान रखें बताएं मुझे किसी को पता हो तो बताएं कि कौन से ईयर में बनाया गया होगा थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं लेकिन ट्राई करो भाई ठीक है थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन ट्राई करो है ना? चलिए तो आंसर के इस क्वेश्चन का देखो जो वर्ष है जो ईयर है वो 1990 बताया है कुशाल ठाकुर ने भी बी 1982 एटी किसी ने सी मतलब चल रहे हैं है ना आंसर के इस क्वेश्चन का 1992 इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई जो फर्स्ट इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर डिजाइन किया गया था इंडिया के द्वारा ईयर याद रखना डेट तो चलो ठीक है लेकिन ईयर ज्यादा प्राइम होता है क्योंकि ईयर पे क्वेश्चन आता है ठीक है 1992 पे सबसे पहला इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर जो है सेटअप किया गया था बनाया गया था दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप सभी जानते हैं कि एफ्रो एशियन कंट्रीज जो है ना वो नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है नॉन परमानेंट जैसे इंडिया इज नॉन परमानेंट मेंबर ठीक है और सवाल बस इतना पूछा जा रहा है कि कितनी एफ्रो कंट्री नॉन पर्मानेंट मेंबर है ठीक है इंक्लूडिंग इंडिया ठीक है तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देखो दोबारा हाई लेवल क्वेश्चन कि भाई हमारे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है वो अफ्रीका एशिया से कितने हैं पांच है, है पंद्रह है दो है या एक है इसमें ना हम क्या लगाएंगे इसमें लगाएंगे हम एजुकेटेड गैस या फिर अब ये समझ लो कि कहीं ना कहीं लमसम नियर आइडिया आपका हो सकता इस हो इस है इसमें आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर पांच है ठीक है देखो यार पंद्रह तो नहीं हो सकते ये तो बहुत ज्यादा हो गया ठीक है बहुत ज्यादा हो गया लेकिन हां इतने कम भी नहीं हो सकते कि एक और दो होंगे क्योंकि एशिया और अफ्रीका पूरा जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो मिड हो वो पांच है है ना क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है पंद्रह तो नहीं हो सकते बहुत ज्यादा हो जाएगा चलिए एक और क्वेश्चन देखिए कथक कली मोहितम अब भाई देखो मोहित्यम से या फिर कत्थक कली से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आंसर केरला होना चाहिए कि भाई डांस फॉर्म का क्वेश्चन है डांस फॉर्म का क्वेश्चन हमेशा से आसान रहा है ठीक है

इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है ये कहां पे लोकेट है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक लोकेशन का क्वेश्चन है ठीक है है ना बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, है कमेंट करिए तो देखो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी आर्ट म्यूजियम मैंने आपको एक बार करा रखा है कि इंदिरा गांधी आर्ट म्यूजियम जो है आपका दिल्ली में है ठीक है दिल्ली में है ये मैंने आपका आर्ट म्यूजियम का करा रखा है और रिसर्च सेंटर के भी क्वेश्चन आते हैं तो वो है कल्पक्कम तमिलनाडु में कहाँ पे कल्पक्कम तमिलनाडु में ठीक है है ना चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सॉयल की अगर मैं बात करूं जो मिट्टी बनती है वो परमानेंट रोग से बनते हैं लेकिन कौन सी प्रोसेस से बनती होगी मुझे बताइएगा अगर जैसे चट्टान है चट्टान से अगर मिट्टी बन रही है तो उसमें क्या ऐसी प्रोसेस होगी जिस वजह से वो मिट्टी बनती होगी चट्टान पे केमिकल प्रोसेस हो सकती है बिल्कुल जी वीदरिंग टाइप फिजिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं वीदरिंग का ही हिस्सा है और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस होने की वजह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दी दिए जिससे चट्टान से जो है मिट्टी बनती है वैसे तो मेन प्रोसेस व्हीदरिंग होती है जिससे मिट्टी बनती है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ओलंपिक के टूर्नामेंट के हिसाब से बास्केटबॉल का डायमेंशन कितना हो सकता है मतलब जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है ठीक है है ना आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बचेगा चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का बेटा मैं आपको अभी डिटेल इसलिए नहीं बता रहा मेरे भाई सिपक और बाकी अगर अन्य बच्चे इस डाउट में है कि सर डिटेल नहीं बता रहे मेरी बहुत क्लासेस होती है जिसमें मैं डिटेल में बताता हूँ पढ़ाता हूँ मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मेरे को आपको दो हफ्ते आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा के ये समझाना है कि क्वेश्चन का लेवल आपका क्या है मैं अभी क्लास नहीं स्टार्ट किया हूँ ठीक है अभी ये क्लास से पहले जरूरी है कि आपको एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन समझ आए जो आपका एग्जाम है ठीक है क्लास से पहले मैं आपको इतने खतरनाक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जानबूझ के कि यार आपको समझ आ रहा है किस लेवल पे आपको पढ़ना है ठीक है मैं इस ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि आपको दस दिन के लिए पढ़ाना है पंद्रह दिन के लिए पढ़ाना है मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि अगर अक्टूबर में जब एग्जाम होगा तो उस समय बच्चा रिजल्ट क्या निकालेगा और उस रिजल्ट को निकालने के लिए आपको इस लेवल को समझना पड़ेगा ठीक है है ना चलिए तो आंसर के इस क्वेश्चन का 28 से 15 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हो जाएंगे आपके लेवल के तब मैं आपके लिए थ्योरी की डिटेल क्लास लेके आऊंगा सीधी बात और अभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हुए हमारी क्लास में मैं एक घंटा रेगुलर पढ़ाता हूं तब भी जाके ना मैं आपको लमसम आईडिया बता रहा हूं 40 ही क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको अभी तक मेरे ख्याल से सात क्लासेस खिलाई होंगी 7, 7 इंटू 40 500 हुए क्या पाँच सौ नहीं हुए है ना मेरे जब पाँच सौ क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना ये वाले जो ज़रूरी पाँच सौ क्वेश्चन कराने हैं आपको उस दिन मैं थ्योरी ले आऊंगा अभी नहीं हुए तो मैं कंटेंट को अपना छोड़ता नहीं हूँ क्योंकि मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है नहीं तो मेरे पास एस एस सी सी जी और एस एस सी एम टी एस 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 सी के जितने भी एग्ज़ाम है जिससे मैं पाँच छः सालों से पढ़ा रहा हूँ पता नहीं कितना कंटेंट अवेलेबल है बस स्पेशली आपके लिए बना रखा है कंटेंट तो खत्म तो करेंगे ना पहले है ना जो चीज़ आप ही के लिए बनाई है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है क्वेश्चन आसान है ठीक है ये आसान है क्वेश्चन देखो इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन तो आते ही है सबको आते हैं मतलब क्वेश्चन बेसिक है बताइए आंसर क्या है चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ज़्यादातर जो हिमालयस की अगर मैं बात करूं तो आप दार्जिलिंग लगा सकते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें देहरादून में लगा सकते हैं लेकिन ना मॉन्टरिंग के तीन से चार इंस्टीट्यूट हैं जिसमें से एक देहरादून का है ठीक है तो आप इधर दार्जिलिंग आंसर लगाना यही क्वेश्चन गलती होती है कि बच्चे इसमें नाइन्टी परसेंट मॉनटरिंग देख के देहरादून लगाते हैं आपने सभी ने दे लगाया देहरादून ठीक है यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन क्या रहा है यही चीज़ एस एस सी के सीजीएल में ना देहरादून वाले इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आते हैं माउंटरिंग वाला ये लेकिन देहरादून आंसर होता है लेकिन आपके में दार्जिलिंग वाला आ गया बच्चे फिर भी बिला के आ रहे क्योंकि आपको वही चीजें याद है जो उनके एग्जाम में आ रही है इंडिया के पास क्या ज्यादा मात्रा में बताइए किसका प्रोडक्शन इंडिया ज्यादा करता है कमेंट करिए ए देख के हैरान रह गए लेकिन असली आंसर जानो असली क्वेश्चन जानो ठीक है हल्दी का प्रोडक्शन इंडिया सबसे ज्यादा करता है ठीक है चाय का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है ठीक है अदरक का भी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है ठीक है शायद कहीं को पता ही नहीं होगा कि इन सब चीजें का इंडिया ढंग से प्रोडक्शन करता भी है कि नहीं करता है बच्चों को सिर्फ चाय का पता है लेकिन ध्यान रखें हल्दी का भी उत्पादन इंडिया सबसे ज्यादा कर रहा है और अदरक का भी उत्पादन सबसे ज्यादा कर रहा है तो आंसर ऑल ऑफ दी उदी है ठीक है मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है कौन सी एंशियन लैंग्वेज पर बेस्ड है बहुत अच्छा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज कौन सी एशियन लैंग्वेज पर बेस्ड है बताएं आंसर क्या इस क्वेश्चन कमेंट करिए बताइए आंसर क्या है मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज कौन सी जो है एंशियन लैंग्वेज पर बेस्ड है तो आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का संस्कृत क्या है इस क्वेश्चन का आंसर संस्कृत इन एयर एयर फोर्स कामांडर की जो रैंक होती है वो किस रैंक से एक स्टेप हाई होती है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर एयर फोर्स में जो इंडियन एयर कमांडर होता है उसकी रैंक किससे एक ज्यादा होती है ठीक है बहुत आसान है कि भैया ग्रुप कैप्टन जो होता है जैसे आपके ग्रुप कैप्टन है तो ग्रुप कैप्टन के, के बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है ए सी ठीक है है ना ऐसे याद रखो जी सी ए सी ठीक है जी सी फिर ए सी पहले जी सी फिर ए सी ऐसे याद रखो हाँ जी बताइए आर बी सी बोन मैरो में एक सेकेंड में कितने प्रोड्यूस होते हैं ये बेसिक है इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हो कि आर बी सी एक सेकेंड में बोन मैरो में कितने प्रोड्यूस होते हैं दो मिलियन पाँच मिलियन सात मिलियन दस मिलियन जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का क्या है इस क्वेश्चन का आंसर चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दो मिलियन इस क्वेश्चन का आंसर है ईस्ट तैमूर जो है ना, वन नाइनटी फर्स्ट मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन का कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ईस्ट तैमूर जो है

आंसर क्या होना चाहिए बताइए लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे लोकेशन का क्वेश्चन क्वाइट पॉसिबल कहयों को ना आता हूँ आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन नया देख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के सटीक क्वेश्चन है बस आप पहले ये कर लोगे ना मैं आपको ये चीज बताना ही तो चाहता हूँ कि भाई आप जब क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे तो आप बाकी चीज़ें क्या ही करोगे क्वेश्चन ही तो ज़रूरी चीज़ है मेन चीज़ क्या है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पचास क्वेश्चन पूरे वो पचास क्वेश्चन अगर नए नए आप सीखोगे तभी तो कुछ होगा वही पुराने घिजेपिटे क्वेश्चन करते रहोगे कि बस मेरे को बताओ क्या बोलते हैं ये डांस फॉर्म की क्या कहाँ पे लोकेट है ये नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट है तो वो चीज़ें थोड़ा सा ठीक है बदलनी चाहिए आपको है ना आंसर के इस क्वेश्चन ग्वालियर क्योंकि लक्ष्मी बाई है ग्वालियर या भोपाल में से कुछ एक होना चाहिए बेटा जो भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है और इससे भी बेहतर बढ़ना चाहिए जैसे शिपकने का कि सर थ्योरी बढ़ाओ अगर आपको अभी से स्टार्ट करनी है थ्योरी तो भैया बीस जुलाई को कोर्स स्टार्ट हुआ है और इसका कोड है अमनदीप ठीक है डिस्काउंट कोड है अमनदीप आज भी इसकी साढ़े पांच बजे क्लास है पूरी डिटेल में चालीस घंटे के लेक्चर डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस स्ट्रेटी के इकोनॉमिक्स करंट अफेयर हर चीज़ कवर कराई जा रही है अमनदीप कोड यूज करें एनरोल कर लें ठीक है आप बस एस एस सी ऐप पे जाएंगे टेक्सट बुक सुपर कोचिंग के उसमें एस एस जेई जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एस एस जेई नॉन टेक का ये स्पेशल लाइव बैच कोर्स मिल जाएगा ठीक है अमनदीप कोर्स है बहुत कम फीस पे ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए पहली अफगान वॉर जो है कौन से वर्ष में हुई बताइए पहली अफगान वॉर कौन से वर्ष में हुई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए पहली अफगान वॉर कौन से वर्ष में हुई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 1839 में ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने डिक्लेयर करी रशिया और फ्रांस पे देख यार आप बेसिक ईयर तो सारे जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ईयर कौन सा था नियर बाय ठीक है और सेकंड वर्ल्ड वॉर का ईयर कौन सा था नियर बाय तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई होगी देखो इसमें तो सबसे लेट ईयर भी लिखे हुए हैं तो सबसे पहला ईयर नाइनटीन है और उसी समय तो स्टार्ट हुआ होगा उन्नीस तक तो गेम हो चुकी थी सारी है ना तो वो नहीं हो सकता सोलह भी नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्ट ही पहले हुआ होगा तभी तो एंड हुआ हुआ आसपास

चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो जी फिफ्टीन कंट्रीज है वो थर्ड वर्ल्ड नेशन है थर्ड वर्ल्ड नेशन में इंडिया भी आता है वैसे पता है आपको थर्ड वर्ल्ड नेशन जो है साउथ साउथ वाले हैं जितने भी हैं वो सारे थर्ड वर्ल्ड नेशन ही है इतने सारे गेम्स के नाम रही है फेडरेशन का वर्ल्ड कप हेलविन कप ठीक है चैलेंज कप ये सब जो है कौन से गेम से संबंधित है अब वर्ल्ड कप देखते ही आप आंसर लगाओगे है ना आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर वर्ल्ड कप देखते ही आंसर लगाओगे भाई वर्ल्ड कप तो दे ही रखा है क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहा है मान लो इसमें से सिर्फ एक वर्ल्ड कप ही दे देता तो आंसर तो आराम से लग जाता आपका है ना आप तो बड़े इंटेलिजेंट भी हो लग ही जाता आंसर ट्राई करो अब सारे के सारे जल्दी से आंसर दो कि भाई इसमें बड़े सारे कप लिखे हुए हैं तो आंसर क्या लगाऊंगा अरे कोई बच्चा डी लगाओ यार वर्ल्ड कप अभी इंडिया होस्ट करने वाला वर्ल्ड कप है ना तो फिर क्या आंसर होगा डी नहीं आंसर डी आंसर नहीं है चलिए तो आंसर डी आंसर बिल्कुल भी नहीं है आंसर इस क्वेश्चन का वॉलीवॉल है क्योंकि भैया बाकी सारे भी तो देखो ठीक है ये और गेम का वॉलीवाल का जो है वर्ल्ड कप है माउंट एवरेस्ट एडमेंड हेलरी के द्वारा और ठीक है तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा कैप्चर किया गया था मतलब वो सबसे पहले रीच करे थे और कौन से वर्ष में द बेसिक क्वेश्चन ये होता है माउंट एवरेस्ट किसने कैप्चर किया तो आंसर लगाते हैं एडमिंड सवाल सिर्फ कैप्चर का नहीं है सवाल इस चीज का है कि कौन से ईयर में कौन से ईयर में द आंसर इज 1953 ठीक है चलिए और आ, नदन टेरिटरी ये जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है ये कौन से देश के क्यूनलैंड तो वैसे ही बड़ा फेमस है क्यूनलैंड वैसे भी बड़ा फेमस है है ना जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीजों के आंसर में जल्दी से खुद दे रहा हूं क्योंकि वो आसान ही है ऑब्वियसली क्यूनलैंड का आप सभी जानते हैं कि क्यूनलैंड का आंसर क्या है ठीक है ऑस्ट्रेलिया का एक्सेसिव का सिक्रेशन का जो होता है ठीक है है ना उससे क्या होता है प्यूशिका ग्रंथि में अगर एक्सेस सक्सेशन success, होता है यानी कि सोमेटोट्रोपिक हॉर्मोन का एस का तो उससे क्या होगा एस का तो बेटा जब एस का सोमेटोट्रोपिक हॉर्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है तो बंदे की हाइट इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा गिगनेटिज्म कहते हैं उसे उसे कहते हैं गिगनाइटिज्म और ये एस टी एच हॉर्मोन निकले तब ठीक है और एस टी एच हॉर्मोन कम निकले अगर कम निकलते हैं तो वो रिटार्डेड ग्रोथ होती है जिसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म ठीक है बेसिक सवाल है मेरे ख्याल से हॉर्मोन के वाले बेसिक क्वेश्चन आपको आते होंगे रोहिंतन बारियर ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का रोहिंतन बारियर ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है कमेंट करिए बताइए आंसर के चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देखो रोहिंतन बारिया ट्रॉफी जो है क्रिकेट इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग हॉकी और फुटबॉल लगा के आते हैं अब मुझे बताइए एक डॉग में कितने दांत होते हैं कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एक अडल्ट डॉग में कितने दांत होते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर फोर्टी टू ठीक है कैट का भी क्वेश्चन आता है थर्टी

आप मेरी बात पर भरोसा रखें जिस दिन 500 क्वेश्चन आपको भी लग जाएगा ना यार ये 500 क्वेश्चन हो गए सर ने कराते उस दिन ये वाला लेक्चर भी बंद क्योंकि इसकी जगह मैं पूरा कोर्स लेके आऊंगा ठीक है अभी तो मैं रेंडमली हर एग्जाम जितने आप इंजीनियरिंग आप एग्जाम स्पेशल लिखा हुआ है एस एस जेई बार डी सब एग्जाम्स के जितने क्वेश्चन है वो कराते पाँच सौ के क्वेश्चन आस आज, पास बनते हैं अभी मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन हुए आज तीन के आसपास हो जाएंगे ठीक है तो ऐसे तीन चार लेक्चर और होने तो पीडीएफ आपकी तैयार है ठीक है डालता जा रहा हूं क्वेश्चन आपको गारंटेड दे दूंगा ये पीडीएफ आंसर है चार वर्ष चलिए वर्ल्ड का ये क्वेश्चन नहीं करना एक जून में कितने अर्ज होते हैं बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है आप मेरा टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन करके रखिए स्पेशली लिखा हुआ मिलेगा ए जे फुल पीडीएफ ठीक है जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का एक जून में कितने अर्ज होते हैं तो आंसर है दस की पावर सात कॉमन क्वेश्चन है मिलता है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए अगर हम अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है जैसे मान लीजिए अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट में हम उसको ज्यादा स्पीड में कर दे तो क्या होता है आप ये सोच के देखो आप एक झूले पे झूलते हो जब आप झूले पे तेज झूल रहे होते हैं ना आपको बहुत लाइट फील होता है आप कभी भी इमेजिन करो एक चीज को कि भाई आप एक किसी झूले पे बहुत तेज झूल रहे हो बहुत स्पीड में मूव कर रहे हो तो आपको ना अपना वेट पता ही नहीं चलेगा क्योंकि एक्चुअली वो आपका वेट जो है डिक्रीज होता है एक्चुअली जो आपका वेट है वो डिक्रीज होता है क्योंकि वो इतना लाइट फील होता है कहने का मतलब वो डिक्रीज होगा एक और क्वेश्चन देखिएगा बास्केटबॉल में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल की गेम में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों बास्केटबॉल में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं तो आंसर है पांच ठीक है कितने पांच क्वेश्चन आपको मिल सकता है एक और क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ठीक है अगर हमें सबमरीन में से ऊपर की तरफ देखना है ठीक है एट द सरफेस ऑफ द वॉटर कि भाई ऊपर क्या है तो हम क्या यूज करें ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम सबमरीन शिप में है हमें नीचे की तरफ देखना है ये वो सवाल पूछ रहे हैं जिसमें आप सबमरीन में अंदर हैं और आपको ऊपर की तरफ देखना है ठीक है है ना अब बताइए थोड़ा सोच समझ के आंसर क्या है गलत मत करना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए चल तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई ये जो है पेरिस्कोप है ठीक है पेरिस्कोप एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी है ना चलिए हो गया ठीक है लासा एयरपोर्ट तिब्बत में है और ये वर्ल्ड का किस चीज के लिए फेमस है हाइट पे लो पे बिजिएस्ट पे लार्जेस्ट पे तो ऑब्वियसली लासा तो सब ऊपर ही होगा कुछ है ना तो हाईएस्ट है एक और क्वेश्चन देखिए जीवन रेखा लाइफलाइन एक्सप्रेस लॉन्च की गई थी ये को किस तरीके से कंसेप्ट मतलब किस कंसेप्ट से संबंधित है जीवन रेखा लाइफलाइन एक्सप्रेस पता है कौन सा कंसेप्ट है जिससे ये संबंधित है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर क्या है इस क्वेश्चन का चल तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जीवन रेखा जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है वो किससे संबंधित है ये फर्स्ट हॉस्पिटल ऑन व्हील है पूरी दुनिया में ठीक है सबसे पहला हॉस्पिटल मतलब जैसे आप आज के समय देखते हैं ना हॉस्पिटल सर्विसेज गाड़ियों में भी लेके जाते हैं कुछ सर्विसेज कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पैन अमेरिकन आयुर्वेद जो अलास्का से चीन तक जाता है मतलब नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक जा रहा है वो क्या होगा अब ऑब्वियसली एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो चीज़ जा रही है नॉर्थ अमेरिका से कोई चीज़ साउथ अमेरिका में जा रही है तो भाई मेरे हिसाब से वो तो रोड ऐसा होगा लॉन्गेस्ट होगा दुनिया का सत्ताईस हजार किलोमीटर का रोड है ठीक है लमसम चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा बताइएगा जॉर्जिया उजबेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट कौन से वर्ष में बने बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या यूनाइटेड नेशन का पार्ट कौन से वर्ष में बने जॉर्जिया तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का 1992 में किस में 1992 में डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति रहे अब सवाल इसमें से स्टेटमेंट का पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलो तो इस क्वेश्चन बेटा देखो जीएस ना आप करने को बड़ी बड़ी किताबें पढ़ सकते हो जैसे एक बच्चा पूछ रहा है डिजिटल वर्ल्ड की भाई कौन सी नॉन टेक के लिए बुक कोई बुक ली है मैं आपको बताऊं किताबें काम नहीं आएंगे यहाँ पे आप, आप इस चीज को समझें पचास पचास क्वेश्चन जो है ना आप रेंडमली बहुत सारे क्वेश्चन करके जाएंगे और फिर बेसिक थोड़ा बहुत सीखेंगे ठीक है तो आपका जो है ये कवर हो जाएगा आप घबराए नहीं अगर आप अक्टूबर तक मेरे साथ पढ़ने वाले हैं सुबह आठ बजे की टाइमिंग पे तो आपका सब कवर करा देंगे लेकिन हमारा गेम जल्दबाजी का नहीं है ठीक है हम शांति से बिल्कुल समय के अधीन रह के चीज़ों को करने वाले हैं और चीज़ें बढ़िया होंगी आपको गारंटी देते हैं ठीक है क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे सारे कराए हुए ये जो मैं करा रहा हूँ ठीक है लेकिन आपको इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सबर चाहिए है ना कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या किया जाए नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है ये कब सेटअप की गई थी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन से वर्ष में चलिए तो आंसर के इस क्वेश्चन अगर आपको बहुत ही अच्छा करना है मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के कोर्स में आ जाइए जिसमें थ्योरी पहले पढ़ाई जाएगी एमसीक्यूज थोड़े से बाद में पढ़ाए जाएंगे वो भी सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज तो उसके लिए आप अमनदीप कोड यूज करें ठीक है ये कोड है ए एम ए एन डी डबल ई पी और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं उसमें चालीस घंटे का लेक्चर चल रहा है वो सुबह शाम को साढ़े पाँच बजे डेली होता है शाम को साढ़े पाँच बजे डेली होता है उसमें नॉन टेक में आपको जीके के साथ रीजनिंग भी मिल जाएगी और बाकी टेक के एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी ठीक है उन्नीस सौ अच्छी इस क्वेश्चन का आंसर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो कौन से शहर में हुई थी बताइए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी ठीक है है ना वो कौन से शहर में हुई थी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देखो कौन से शहर में हुई थी तो आंसर है इस क्वेश्चन का लंदन में ठीक है लंदन में सबसे पहली मीटिंग हुई थी हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है हाइग्रोमीटर किस चीज को मेजर करता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या चलो तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि भाई हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है ठीक तो है।, है तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है ठीक है चलिए को फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन अगर जोंडिस है तो जॉन्डिस में कौन से शरीर के भाग पर इम्पैक्ट पड़ता है हेपेटाइटिस में भी इसी में बढ़ता है और जॉन्डिस में भी इसी में बढ़ता है मैंने आपको एक हिंट दे दिया आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि भैया आपका जॉन्डिस का आंसर क्या होगा हेपेटाइटिस का भी आंसर लीवर होता है क्योंकि लीवर की स्टडी को हेप्टोलॉजी कहते हैं और जॉन्डिस में भी एक आम इंसान अगर कुछ फूड इनटेक कर रहा है देखो क्वेश्चन स्पीड में पढ़ने की कोशिश करो ठीक है अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि भैया यहाँ बड़ी स्पीड में क्वेश्चन को हम रीड कर सकते हैं चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा कि भाई अगर एक आम इंसान फूड इनटेक करता है तो उसका कितने घंटे में एब्जॉर्बशन होता है जो वो फूड इनटेक कर रहा है कितना समय लगता है चाहे आप खाना खाने के बाद जिम चले जाओ चाहे आप दस किलोमीटर तोड़े आओ ठीक है रनिंग कर लो चाहे कुछ भी कर लो लेकिन एटलीस्ट आपको इतने घंटा लगता है एब्जॉर्ब करने में वो है बारह घंटे ये साइकिल ही है हमारी डेली फूड हैबिट की साइकिल होती है है ना आठ से आठ वाली कॉमन साइकिल जिसे कहा जाता है ये साइंटिफिकली इसलिए कहते हैं कि थोड़ा जल्दी खाना खाएं अगर आप सुबह आठ बजे भी उठ रहे हैं तो खाना आपने रात को आठ बजे के आसपास खाया तो डेट क्रिएट्स सा साइकिल है ना बारह घंटे चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि इससे पहले हो ही नहीं सकता है हांजी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर पहली बार जो एंशियट ओलंपिक हुए थे वो कितने वर्ष पहले हुए थे ठीक है चलिए बताइए इसको आंसर क्या है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई पहली बार जो एंशियट ओलंपिक्स हुए थे गेम्स के वो कित कितने वर्ष पहले हुए थे ग्रीक ओलंपिक भी आप सुने होंगे आंसर इस क्वेश्चन का कि ये टू सेवन सेवन फाइव ईयर जो है बहुत पहले का ईयर जो है थोड़ा सा डाटा याद रखना चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बताएगा ये क्वेश्चन छोड़ दो वुमेन पायलट्स का अभी तक देखो आपने ना अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया है कि भाई सबसे पहली वुमेन फाइटर पायलट का नाम बताए ठीक है थेके? आपने सुना होगा ठीक है और अभी इससे पहले एक सवाल ये आता था कि फर्स्ट वुमेन पायलट बैच कौन से वर्ष में कमीशन किया गया कौन से वर्ष में वुमेन पायलट बैच उसमें सभी वुमेन पायलट्स थी ठीक है तो इससे पहले कोई भी वुमेन पायलट्स नहीं हुआ करती थी ठीक तो है तो आंसर इस क्वेश्चन का वो 1994 में दिसंबर 17 1994 में पहली बार वुमेन्स पायलट बैच को है कमीशन किया गया था ठीक है चलिए बताइए हाँ जी अगर मैं बात करूँ कॉमनवेल्थ पहली बार ऑर्गेनाइज किए गए कहां हंड्रेड परसेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है बताइए अभी जब कॉमनवेल्थ हुए ना तभी ये क्वेश्चन आया था तो इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको मिल सकता है चलिए तो आंसर के इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएंगे ठीक है मेरे भाई तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि भाई ये जो है हैमिल्टन कनाडा ठीक है 1930 सौ तीस में कब कौन से वर्ष में हैमिल्टन कनाडा 1930 में चलिए एक और क्वेश्चन किरण वेदी जी आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध हैं ठीक है थीके? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं आप और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था बीजेपी के जो है नेतृत्व में है ना तो अभी ये आप इनके बारे में एक बेसिक क्वेश्चन तो सभी जानते हैं फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है मीना ट्राइब कौन सी स्टेट में है कॉमन है आज के समय में तो मीना ट्राइब आप सभी जानते होंगे सभी के सभी एम ई एन ए स्पेलिंग लिख लो या एम आई एन ए लिख लो ठीक है डिपेंड्स लेकिन आंसर कर बताइए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है मीना ट्राइब बहुत प्रसिद्ध है तो इस वजह से इस पर क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का राजस्थान के एस रंजीत सिंह जी जो है ना के एस रंजीत सिंह जी ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कमेंट करिए जल्दी से बताइए है ना चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देखो अगर मैं के एस रंजीत सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेटर है ठीक है फर्स्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेटर फर्स्ट राइस स्ट्रो पावर प्लांट सेटअप किया गया था कहाँ पे कौन सी लोकेशन में फर्स्ट राइस स्ट्रो पावर प्लांट कौन सी लोकेशन में सेटअप किया गया कमेंट करिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का तो देखो जैसे अगर मैं बात करूं ठीक है चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का एक हफ्ता रुक जाओ अंकित कराएंगे ठीक है एक हफ्ता रुक जाओ थ्योरी भी कराएंगे अभी एम सी क्यू चलने दो एक हफ्ते बाद थ्योरी भी कराएंगे चलिए अगर मैं बात करूँ फर्स्ट राइस ट्रो जो पावर प्लांट है ये कहाँ पर सेटअप किया गया ठीक है पंजाब का जलखेरी लोकेशन जो है कुछ बच्चे राइस सोचते सोचते वेस्ट बंगाल होगा क्योंकि भाई राइस का प्रोडक्शन होता है, है ना तो इसी वजह से लगाते हैं लेकिन भाई ध्यान रखना हर जगह होता है प्रोडक्शन तो जलखेरी पंजाब में भी होता है ठीक है चलिए अगर क्वेश्चन देखिएगा इसमें से कौन सा डांस बिहार में किया जाता है जिसमें महिलाएं बारिश के आगमन की जो है प्रतिक्रिया करती हैं तो आंसर डांस परफॉर्म बाय वुमेन टू इन्वोक द रेन इन बिहार ठीक है तो बिहार तो तो के जात देखो ये भी जात जत्न भी बिहार का ही है पूर्वी भी बिहार का ही है इसमें से कौन सा सही आंसर है क्योंकि जात जत्तीन पूर्वी विदेशिया पनवारिया ये सारे के सारे जो हैं चार डांस बताए चारों के चारों बिहार के ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है चारों ही ऑप्शन भी आर के हो सकते हैं ठीक है तो आंसर जात जतीन है पूर्वी नहीं है ठीक है विदेशिया भी नहीं होगा पनवारी भी नहीं होगा फूड जो हम इनटेक करते हैं उसका एनर्जी मेजर किससे होता है ठीक है द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड बाय वट ठीक है कि भाई हमने कुछ भी खाया उससे कितनी एनर्जी मिलेगी डेट डिपेंड्स ऑन वट ठीक है डेट डिपेंड्स ऑन द कैलरीज हमने कितनी कैलोरीज इनटेक करी है कम कैलोरीज इनटेक करी है तो कम एनर्जी है तो कैलोरीज पे डिपेंड करता है एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है इलेक्ट्रिक स्टोव जो है उसमें कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है बताइए थोड़ी सी स्पीड क्वेश्चन की मैंने बढ़ा दी है जो पहले कम थी अब हम थोड़े से ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन करेंगे ठीक है चलिए तो आंसर इस क्वेश्चन का कुछ भी इलेक्ट्रिक को आंसर आप निक्रोम लगाइए इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक स्टोव कुछ भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हीटर सबका आंसर निक्रोम इलेक्ट्रिक वर्ड यूज किया जा रहा है और साथ के साथ कुछ हीट करने वाला है तो वो गारंटेड निक्रोम का है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए हमारी देखो जैसे मेरे पहला जो हेलीकॉप्टर कमीशन किया गया था वो क्वेश्चन कराया अब सवाल ये आता है कि पहला जो मिसाइल लॉन्च किया गया था वो कौन सा था वो था त्रिशूल सबसे पहला मिसाइल त्रिशूल ये कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था इससे दो सवाल दिमाग में रहते हैं कि पहला मिसाइल कौन सा था वो त्रिशूल था कौन से वर्ष में हुआ था ये पता होना चाहिए ठीक है ऐसे मैंने आपको हर चीज़ का मैं फर्स्ट टाइप जो है वो करा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आपके में फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड ठीक है सब पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन आंसर क्या इस क्वेश्चन का त्रिशूल जो है ठीक है सितंबर 1995 में आप में से कौन कौन मेरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व कर पा रहा वो यस लिखे जो ऑलमोस्ट सारे नहीं सोल्व कर पा रहा वो नो लिखे जो ऑलमोस्ट सारे सोल्व कर पा रहा है वो यस लिखेगा जो ऑलमोस्ट सारे नहीं सोल्व कर पा रहा वो नो भी लिखे जल्दी से जल्दी से सभी के सभी यस और नो लिखें क्योंकि भाई ये जरूरी बात है ये करना है ठीक है जल्दी से लिखें चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का जैसे ये वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर भाई ऑलमोस्ट सारे के सारे यस लिख रहे हैं तो अच्छी बात है थर्टी परसेंट ओनली तो बुरी बात है कोशिश करते रहो ओलंपिक की जो शपथ है वो क्या है मतलब ओलंपिक की जो शपथ अच्छा इसमें ये पूछा रहा है कि ओलंपिक की शपथ जो है किसने बनाई थी कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक की शपथ बनाई थी कमेंट करेगा बताइए मतलब इस क्वेश्चन का आंसर के नो के बराबर ही है ऐसा कैसे से के इस क्वेश्चन का देखो अगर मैं बात और वैसे सही बात है अगर नो के बराबर है सही बात है अगर आपका हंड्रेड परसेंट फिर तो क्लास बेकार है आपके लिए समझ जाना जिस क्लास में आपको हंड्रेड परसेंट चीजें आती हैं आप उस गलत जगह पे बैठे हो ठीक है जहां आप बाकियों से ज्यादा जानते हो क्योंकि आपको कोई सिखाने वाला ही नहीं है फिर है ना तो जब सिखाने वाला नहीं तो उस जगह पे बैठेगी हो उस क्लास में बैठेगी हो इसलिए हमेशा देखे करो कि जिस क्लास में आप एटलीस्ट ठीक है सेवेंटी परसेंट सीख ही रहे हो ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट भैया सबको आता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आता ही है एटलीस्ट सत्तर परसेंट सीख रहे हो आप उसी क्लास में बैठे ये बच्चे समझते नहीं है बच्चे ये सोचते हैं यार ये क्लास में यार सब आता है मजे आ रहा है देखने में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं देखते रहो देखते रहो देखते रहो टाइम वेस्ट कर दिया आपने दो तीन घंटे ठीक है चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का बैरोन पैरिडी पेरीडिक्यूरेब्रिटिन जो है ये व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो है ठीक है ओलंपिक क्रीड अब ओलंपिक की जो शपथ है ठीक है वो जो है बनाएगी ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस नाम से आना था गुरु जी या गुरुदेव दोनों में से कोई एक ऑप्शन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर की है ना कमेंट करिए जल्दी से बताइए बिल्कुल हर एक एग्जाम हर एग्जाम इंजीनियरिंग लेवल का जो है वो आपका इसी क्लास से सॉल्व हो सकता है बन सकता है आंसर गुरुदेव है गुरुजी जी मतलब आना देख रहे हो ऑप्शन इतने नियर बाय है कि बच्चे गुरुजी गुरुदेव में भी फंस जाते हैं ठीक है है ना आंसर क्या है इस क्वेश्चन का झारिया झारखंड में है किसके लिए फेमस है जैसे सिंगम कोल के लिए फेमस होगा या आयरन के लिए फेमस होगा तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको मिलते हैं कि खेतरी माइन्स किसके लिए फेमस है कोरपुट किसके लिए फेमस है तो जैसे ये माइन है झारिया कोल के लिए फेमस है ठीक है खेतरी माइन्स है भैया कोपर के लिए फेमस ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा एशियन गेम्स में हॉकी को किस वर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया था आठ बजे की फिक्स टाइमिंग रखें एशियन गेम को हॉकी में किस वर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया था इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है मतलब जो एशियन गेम जो है उसमें हॉकी की गेम आई थी कौन से इवेंट में तो टोक्यो इवेंट 1958 में एशियन गेम अब वर्ल्ड जो ओलंपिक्स की बात नहीं हो रही है वो तो बहुत पहले हो गया था हॉकी स्टार्ट एशियन गेम में 1958 में स्टार्ट हुआ था बताइए पहला एटॉमिक पावर स्टेशन ठीक है बता सकते हो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भारत का जो सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है Uh, मैं विजिबल हूँ सभी को कोई बफरिंग नहीं चल, तो नहीं हो रही चलो तो आंसर इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है अनंतपुरम आंध्र प्रदेश ठीक है अरे नहीं 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 ये गलत लिखा हुआ इधर एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र है ठीक है इसमें मार्किंग गलत है राणा प्रताप सागर राजस्थान में है किस चीज के लिए राणा प्रताप सागर डैम जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है तारापुर याद रखिएगा ऑब्वियसली आसान था वो क्वेश्चन ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि राणा प्रताप सागर राजस्थान में है ये किसके लिए हाइड्रो पावर जनरेशन वैसे भी डैम और उसका क्वेश्चन आता ही है तो आंसर इस क्वेश्चन का यही है हाइड्रो पावर जनरेशन ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा आसान क्वेश्चन है ठीक है राणा प्रताप सागर डैम है एक्चुअली में ठीक है क्या है राणा प्रताप सागर डैम है एक्चुअली में और जो डैम है तो क्वेश्चन सोल्व है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा ये क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि आज के कंटेस्ट में ये सही नहीं है ठीक है चलिए बताए कु, कुछ चीजें ना स्किप कर रहा हूं क्योंकि आज के कंटेस्ट में सही नहीं है चलिए बताइए इस क्वेश्चन का इंडिया का फर्स्ट पूरी दुनिया का इंग्लैंड में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था प्रिंटिंग को लेके प्रिंटिंग की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी सवाल पूछा रहा किस व्यक्ति के द्वारा प्रिंटिंग की शुरुआत की गई होगी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर के कौन से व्यक्ति के द्वारा प्रिंटिंग की शुरुआत की गई होगी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का कौन से व्यक्ति के द्वारा प्रिंटिंग की शुरुआत की गई होगी तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि प्रिंटिंग की शुरुआत जो है विलियम कैस्टोन कैस्टोन तो ब्रांड भी है ना प्रिंट आ, प्रिंटिंग से संबंधित प्रिंटर्स बनाए जाते हैं कैस्टोन के द्वारा है ना विलियम कैस्टोन ही इस क्वेश्चन का आंसर भी है चलिए एक एक बारी जो भी बच्चा है वीडियो को लाइक कर सकता है शेयर कर सकता है और सबसे कोर है कि आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े अमन सर टेक्सट बुक पे सो डेट की मैं आपको कंटेंट दे सकूँ जब भी ये खत्म हो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई किसी को पता है करंट अफेयर में रहा है तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है आ भी सकता बताइए क्या आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना वन एडी में हुई 1163 एडी में एक और क्वेश्चन देखिए लता मंगेशकर जी को भारत रतन सचिन तेंदुलकर जी के साथ मिला ठीक है दोनों को एक साथ मिला था शायद और कौन सा वर्ष था वो कौन सा वर्ष था इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा सभी सभी तैयार रहिएगा ठीक है टेस्ट के लिए टेस्ट के बिना गेम नहीं बन सकती है ठीक है चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई ये जो है 2001 में बहुत बेसिक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस पूरी क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन यही था जो आपसे ये पूछा गया है कि भाई भारत रत्न जो है ठीक है ये किस वर्ष में मिला था जो है लता मंगेशकर जी जोन एफ कैनेडी भारत आ, अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे और इनकी मृत्यु कौन से वर्ष में हुई जल्दी से बताइए ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है हर एग्जाम में ठीक है ध्यान रखना जोन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे अमेरिका के और इनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए बताइए आंसर क्या चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सरल है मेरे भाई आंसर बताएं आंसर है ठीक है 1963 क्या है आंसर 1963 रॉबर्ट रोबर्ट कोच बहुत इजी क्वेश्चन एक इकलौता नाम जो शायद आप इस क्लास में सभी जानते हैं रोबर्ट कोच कौन है ठीक है रॉबर्ट कोच कौन थे सभी जानते होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को पता है जल्दी से बताओ सभी के सभी और मैंने पीडीएफ और भी डाल रखी है अपने टेलीग्राम पे आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं ठीक है मैंने और भी पीडीएफ डाल रखी है आप उनको भी यूटिलाइज़ करिए क्योंकि वो भी आपके काम की हैं स्ट्रेटिक जीके की पीडीएफ डाली थी मॉडर्न हिस्ट्री की डाली थी तो वो आप वो भी यूटिलाइज़ करिए ठीक है थीके? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है जैसे ये वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर है ट्यूबर क्लोसिस क्वेश्चन रॉबर्ट कोश ट्यूबर क्लोसिस से ही संबंधित है ना है ना कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान ठीक है लता मंगेशकर जी का एक रिकॉर्ड रहा है और वो किस चीज़ का रिकॉर्ड रहा है जल्दी से बताइए किस चीज़ का रिकॉर्ड रहा है उनका लता मंगेशकर जी का जो रिकॉर्ड रहा है वो किस चीज़ से संबंधित जो है रिकॉर्ड रहा है

ठीक है राजस्थान का जुडिक्शन क्या है क्योंकि खान अब्दुल गफार खान पे हमारे इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं ठीक है थेके? है ना फ्रंटियर गांधी चलिए बताइए जुडिक्शन राजस्थान का कहाँ पे है ठीक है जोधपुर में जैसे आपका जबलपुर मध्य प्रदेश का अर्थ क्योंकि स्टडी बेसिक क्वेश्चन भी है देखो पेपर में आसान क्वेश्चन भी बहुत आता है लेकिन पेपर में मुश्किल क्वेश्चन भी बहुत आता है और अगर आप दोनों नहीं करते हो तो काम खराब है क्योंकि आसान गलत हो गया तो आप बड़े बुरे फंसे मुश्किल गलत हो गया तो इतने बुरे नहीं फंसे क्योंकि सबका सबका सेम लेवल होगा सब गलत करते हैं तो मुश्किल सबका गलत हो लेकिन अगर आसान आपका गलत हो गया देखो आप ये समझो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा ना तो आप लिस्ट में हजार दो हजार, हजार दो हजार बच्चों से पीछे जाओगे हजार दो हजार बच्चों से पीछे जाओगे ज्यादा नुकसान नहीं है ज्यादा नुकसान नहीं है हजार दो हजार बच्चों से पीछे जाने लेकिन अगर आसान गलत हो गया आप एक लाख दो लाख बच्चों से पीछे जा रहे हो क्योंकि इतना आसान गलत हो गए जो सबने सही किया था तो आप ये समझ लो कि आसान गलत होने में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है यही चीज समझनी है तो आपको ध्यान से ध्यान पूर्वक आंसर देने हैं बस इतना ही है कि आप जल्दबाजी ना करें पेपर करते समय ठीक है आपको तो मोर देन इनफ टाइम मिलता है पचास क्वेश्चन सोल्व करने का मैं ये समझता हूँ कि आसान है आपके लिए चीजें करना लेकिन आप अच्छे से करें यह आसान है तो सबको पता है इंडिया का फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूट्रन रिएक्टर कौन सा था बहुत मुश्किल क्वेश्चन कि भाई बच्चे कहेंगे सर फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर आई डोंट नो क्या है सवाल का जवाब जल्दी से बताइएगा कौन सा भारत का सबसे पहला जो फर्स्ट वाला है ना मैं बस वही पूछ रहा हूँ मैं और नहीं पूछ रहा फर्स्ट वाला पूछ रहा हूँ कि हमारा फर्स्ट मिसाइल कौन सा है फर्स्ट हेलीकॉप्टर कौन सा है फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन सा है फर्स्ट एटोमिक पावर रिएक्टर कौन सा है ठीक है तो वही मैंने आपसे सवाल पूछा ज्यादातर अब आंसर के इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर कामिनी है ज्यादातर बच्चे अप्सरा जानते हैं कि भाई अप्सरा भी कुछ है बट वो फास्ट फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर नहीं है कामिनी फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर है नए नए क्वेश्चन है सीखते रहो सुबह आठ बजे बताइए मिलिट्री पुलिस सेंट्रल स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है बताइए जैसे टेरिटोरियल आर्मी होता है ना कुछ इस तरीके का होता है बताइए मिलिट्री पुलिस सेंट्रल स्कूल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है इस क्वेश्चन का आंसर बताएं ट्राई करें जल्दी से बताइए आंसर क्या चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मिलिट्री पुलिस सेंटर स्कूल जो है ये जो है बेंगलोर में लोकेट है काल मार्क्स जो है ये क्या दर्शाती है ठीक है है ना आंसर क्या है इस क्वेश्चन का चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है क्लास सोसाइटी इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा बेसिक है क्लास सोसाइटी इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई क्लास सोसाइटी को दर्शाती है ठीक है तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एक और क्वेश्चन देखिए राज कपूर को दादा साहेब पाल के अवॉर्ड किस वर्ष में मिला होगा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर रा, राज कपूर जो थे ठीक है इनको नाइनटीन में मिला था इतना जरूरी नहीं है क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो ठीक है बहुत प्यारा क्वेश्चन देखो जो बड़े बड़े रेजोल्यूशन हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में कि यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कौन से वर्ष में लाया गया था पता है तो जरूर बताइए ट्राई करिए आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कमेंट करो चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन है ये लाया गया था 1950 में ठीक है 1950 में तो ये हमारे देखो अभी क्वेश्चन बहुत हैं ठीक है थेके? ये बैक टू बैक क्वेश्चन आपके कल भी होने हैं इतने बढ़िया क्वेश्चन है जो अगर आप पूरा कवरेज कर लोगे तो आपको सब कवर हो जाएगा ठीक है लेकिन हाँ एक चीज का आप भी ध्यान रखें कि आप मेरे टेलीग्राम अमन सर टेक्सट बुक पे जुड़े रहे ठीक है टेलीग्राम अमन सर टेक्सट बुक ठीक है क्योंकि करंट अफेयर का टेस्ट है पूरा का टेस्ट होगा कि के सारे क्वेश्चन करेंगे थेके? तो आप अमन सर टेस्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का नाम और ये जो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो ना अमनदीप कोड से इसलिए ले सकते हो क्योंकि आपको इस कोड पे इतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आप एक बारी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ जैसे आप जैसे क्या कर रहा है इसको एनरोल करने के लिए आपको बहुत ही फायदा होने वाला है आपको क्या करना है टेक्सट बुक सुपर कोचिंग ऐप को सर्च करना है जैसे मान लो आपने इधर सर्च कर लिया ठीक है इधर आपने एग्जाम जो सिलेक्ट किया ना जैसे मान लो ए जेई इलेक्ट्रिकल पे ही क्लिक कर ले किसी पर भी कर लो जो आपका डोमेन होगा ठीक है तो जब आप इसमें जाओगे ना एक्सप्लोर करोगे ठीक है तो आपको ना इधर जो है बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो आपको सिंपल सा है कि उसमें एक कोड लगाना पड़ेगा और वो कोड होगा अमनदीप ठीक है ए एम ए एन डी -E डबल -E ई पी जिससे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए और 40 घंटे का लेक्चर है साढ़े पांच बजे हो रहा है ठीक है आज साढ़े पांच बजे होगा 40 घंटे के लेक्चर आर्स रहेंगे आपके जो जीके के रहेंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं थ्योरी भी होगी पूरी डिटेल में और एमसीक्यूज भी होंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा चैप्टर टू चैप्टर चलेंगी चीजें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सब कुछ तो आप ये अमन सर टेक्स बुक पे भी लिंक दे रखा है वैसे आप टेक्सट बुक सुपर कोचिंग में डायरेक्टली अपना जो जो आपका आ, कोर्स है उसको सेलेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो आप ये वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए सभी के सभी फिर अब की कल सुबह दोबारा आठ बजे क्लास होगी बहुत सारे नए क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के लेके आता जा रहा हूँ बैक टू बैक आपको कराता जा रहा हूँ तो आप इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आपका इससे जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा ठीक है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग